बुद्ध कहते हैं, आप तब तक उस मार्ग पे नहीं चल सकते जब तक आप खुद वह मार्ग नहीं बन जाते। लोग सवाल पूछते हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा, मैं क्या करूं? मैं मन को शांत करना चाहता हूं, एकाग्र करना चाहता हूं, मन को साधना चाहता हूं, हर तरह के फालतू विचारों से अपने मस्तिष्क को मुक्त करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन, मेरा हृदय मेरा साथ नहीं देता। ये कहीं पर भी एक जगह टिकता ही नहीं है, वो हमेशा भटकता रहता है। चलिए एक कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि अशांत मन को शांत कैसे किया जा सकता है, या ध्यान की उस परम अवस्था को किसी भी चीज में कैसे प्रयोग किया जा सकता है। तो ये कहानी है एक गुरु की। एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान साधना सिखा रहे थे। तभी एक शिष्य बोला, हे गुरुवर, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? गुरुजी ने कहा, बिल्कुल पूछ सकते हो। शिष्य ने कहा, जैसे कि मैं पानी पीता हूँ तो मेरी प्यास बुझ जाती है, या कोई भी व्यक्ति जब पानी पीता है तो उसकी प्यास बुझ जाती है, तो क्या ध्यान के संबंध में ऐसा ही होता है या ऐसा नहीं होता है? जब हम आपके कहे के अनुसार एक जैसा ध्यान करते हैं तो हम में से कोई पहले तो कोई बाद में तो कोई कभी भी ध्यान की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? जैसे पानी से सबकी प्यास बुझ जाती है, वैसे ही ध्यान से सबके ज्ञान चक्षु खुल जाने चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता। गुरुजी ने कहा कि कल किसी ने भोजन पर हमें आमंत्रित किया है, कल तुम मेरे साथ चलना और मैं वहीं तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर दे दूंगा। अगले दिन दोनों गुरु शिष्य भोजन के लिए एक धनी व्यक्ति के घर पहुंचे। धनी व्यक्ति की पत्नी ने उन्हें भोजन पर बुलाया था। दोनों भोजन करने बैठ जाते हैं। उन्हीं के साथ उस स्त्री का पति भी भोजन करने बैठा हुआ था। उसने अपने सभी नौकरों पर चिल्लाकर कहा कि ये क्या बेकार सा भोजन बना रखा है, इस भोजन में कोई स्वाद नहीं है। वह भोजन की थाली फेंक कर नौकरों से कहता है, जाओ दोबारा ढंग का भोजन बना कर लाओ। धनी व्यक्ति की पत्नी उन दोनों गुरु शिष्यों से क्षमा मांगकर उन्हें भोजन परोसने लगती है। दोनों ने भोजन शुरू किया। गुरु ने अपनी थाली में दो रोटी छोड़ दी। गुरु ने उस स्त्री से कहा कि बेटी, क्या तुम मुझे यह दो रोटी बांध कर दे सकती हो? अब उस स्त्री ने उन रोटियों को बांध कर दे दिया और उसके बाद दोनों वहां से निकल गए। रास्ते में गुरुजी ने शिष्य से पूछा कि तुम्हें भोजन कैसा लगा? शिष्य ने कहा, भोजन तो बड़ा स्वादिष्ट था, मुझे पसंद आया, मुझे भोजन करके बड़ा आनंद भी आया। तब गुरु ने कहा कि उस स्त्री के पति को भोजन क्यों नहीं पसंद आया? गुरु ने कहा, इससे अधिक तुम्हें और कुछ नहीं लगा? शिष्य ने कहा, इससे अच्छा और क्या लग सकता है गुरुदेव, मेरी भूख मिट गई, मेरा पेट भर गया। तब गुरु ने फिर वही प्रश्न पूछा कि उस स्त्री के पति को भोजन क्यों नहीं पसंद आया? भोजन तो अच्छा बना था ना, जैसा कि तुम कह रहे हो, भोजन भी एक ही था, तब उसे पसंद क्यों नहीं आया जबकि वो भोजन तुम्हें पसंद आ रहा था? शिष्य ने कहा, आप ठीक कहते हैं गुरुदेव, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ, आप ही कुछ बताएं। तब गुरुजी ने कहा, अभी तो मेरे साथ आगे चलते रहो। अब गुरु शिष्य चलते चलते बहुत दूर निकल आए। शिष्य ने गुरुजी से कहा कि गुरुदेव, हम हमारे आश्रम के मार्ग पर तो नहीं है, फिर हम कहाँ जा रहे हैं? गुरु ने कहा, बस चलते रहो। बहुत दूर चलने के बाद एक फुटेहाल व्यक्ति गुरुजी के सामने आ गया और उनके चरणों में गिर गया और बोला, हे परमात्मा, मेरी मदद करो, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया, आप कृपा करके मुझे कुछ खाने को दे दें। गुरु ने उस व्यक्ति को एक पेड़ के नीचे बिठाया और उन दो रोटियों को निकाल कर दिया जो उन्होंने उस महिला से बंधवा कर रख लिया था।
उन दो रोटियों को देखते ही उस गरीब व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत उन दो रोटियों को लेकर खा लिया और खाते समय व्यक्ति की आंखों से आंसू निकल रहे थे। रो रहा था और खाता जा रहा था और हाथ के इशारे से धन्यवाद कह रहा था, जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति को कह रहा है कि तेरा धन्यवाद। इस रोटी के लिए खाने के बाद उसने गुरुजी को प्रणाम किया, धन्यवाद कहा। गुरुजी ने उस व्यक्ति से पूछा कि भोजन का स्वाद कैसा था। उसने कहा, स्वाद तो था ही नहीं, केवल जीवन था, परमात्मा और ईश्वर था। ये रोटियां नहीं थी, ये तो साक्षात जीवन था जिसे परमात्मा ने मेरे लिए भेजा था। और ये कहकर वो व्यक्ति वहां से चला गया। गुरु ने शिष्य से कहा, देखो भोजन वही था लेकिन एक व्यक्ति को उसमें स्वाद नहीं आता। तुम्हें उसे स्वाद भी अच्छा लगा, तुम्हें भोजन भी पसंद आया, वहीं एक व्यक्ति को उस भोजन में स्वाद ही नहीं बल्कि उसमें ईश्वर, परमेश्वर और जीवन तक को देख लिया। तो इससे पता चलता है कि व्यक्ति और भोजन की तृप्ति में भी अंतर है। पहली व्यक्ति की इसमें कोई तृप्ति नहीं हुई, तुम्हें थोड़ी तृप्ति हुई और इस व्यक्ति को अनंत तृप्ति होती है। ऐसे ही ध्यान के संबंध में होता है, जिसको जितनी ज्यादा प्यास होती है वो उतनी ही जल्दी मार्ग बना लेता है। अब उस शिष्य की जिज्ञासा का समाधान हो गया था और उसके प्रश्नों का उत्तर उसे मिल गया था, लेकिन प्रश्न का उत्तर हमारे अभी भी नहीं मिला। प्रश्न ये था कि मन क्यों नहीं लगता, मन को कैसा ज्यादा जाए। दोस्तों, जो लग जाए वो मन नहीं, क्योंकि मन का स्वभाव ही है भागना। जब हमारे पास कोई चीज बहुत होती है तब मन उससे भागने लगता है, जैसे उस धनी व्यक्ति का मन उस भोजन से भाग रहा था जो उसके लिए आम बात थी। लेकिन जब कोई चीज हमारे पास सीमित मात्रा में होती है तो हमें मिल भी जाती है, तब हमारा मन उससे जुड़ा भी रहता है और हम उस चीज को थोड़ी बहुत अहमियत भी रखते हैं। जैसे उस शिष्य का मन जो उस भोजन से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ था, तो उसने उस भोजन के स्वाद को भी जाना। लेकिन जब हमें कोई चीज चाहिए होती है वह हमारे पास नहीं होती, तो पहले हमारा मन उस चीज के लिए बहुत लालायित रहता है और वो हर हाल में पहले उसे पा लेना चाहता है। लेकिन जब कोई चीज प्राणों से जुड़ी हो, जैसे कि वो दो रोटी, और जब बात प्राणों पे आ जाए तब मन गायब हो जाता है। तब आप स्वाद नहीं देखते, भोजन का प्रकार नहीं देखते, तब आपको सिर्फ भोजन चाहिए होता है, तब आप एकाग्र हो जाते हो उस भोजन के लिए। जो मिले उसी में आपको आनंद आ जाता है, स्वाद हो ना हो आपके प्राण अंदर तक उसे स्वीकार कर लेते हैं। और ये तब होता है जब मन नहीं होता, जब हमारे मन को लगाने की बहुत कोशिश करते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे किसी काम में हो, तो आप देखेंगे कि मन वहाँ लगेगा ही नहीं या लग भी नहीं सकता, क्योंकि इसका किसी चीज में टिकना ही संभव बहुत ही मुश्किल है। बल्कि इसका काम है आपको भगाना, इधर से उधर, एक चीज मिली दूसरी चीज पे ले जाना, दूसरी चीज आपको मिली तीसरी चीज पे ले जाना। मन संतुष्टि नहीं जानता, वो केवल पाना जानता है, पाने के बाद भूल जाना जानता है, और जो मिल गया उसे छोड़ देने की आदत जानता है, और जो छूट गया उसे फिर से पा लेने की आदत मन की होती है। यदि हम अपनी जिंदगी के पिछले हिस्से को देखें और जानें कि क्या आपका मन कहीं लगा है, कहीं रुका है, जब वो केवल आपको अभी तक से भगा रहा है। अब सवाल आता है कि अगर मन का काम भगाना या फिर भागना ही है, तो क्या जीवन भर हम भागते ही रहेंगे, क्या हम कहीं रुकेंगे नहीं? ध्यान से देखो तो जिंदगी ऐसी ही है, जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान भागता ही रहता है, कभी किसी एक चीज के पीछे तो कभी किसी दूसरी चीज के पीछे। लेकिन फिर भी कुछ इंसान अपवाद हो जाते हैं, फिर वो रुक जाते हैं, भागना बंद कर देते हैं, तब चीजें उनके पीछे भागती हैं और वो किसी चीज के पीछे नहीं भागते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद भगवान गौतम बुद्ध थे। हम आम लोग कैसे अपने जीवन में ठहराव ला सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में एकाग्रता ला सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में अपने मन को अपने आप नियंत्रित करने से रोक सकते हैं, और इसका एक ही रास्ता है और वो है ध्यान। ध्यान एक व्यवस्था लाता है,
मन भागता है, ध्यान ठहराने के लिए उसे बुलाता है, लालच देता है। ध्यान लालच को देखने की दृष्टि देता है। मन कहता है दूसरी चीज को पकड़ो और ध्यान कहता है कि जो जो मिला है उसे जान लो। ध्यान एकाग्रता लाता है, लेकिन ध्यान को लेकर भी हम भ्रमित रहते हैं। ध्यान का मतलब आंखें बंद कर बैठ जाने को ही समझ लेते हैं। एक छोटी बच्ची बहुत अच्छी बांसुरी बजाती है और जब वो बांसुरी बजाती है तब उसके सुर में सब खो जाते हैं और तब उसका मन गायब हो जाता है। उसके प्राण केवल उस बांसुरी की धुन में रम जाते हैं और यही उसका ध्यान बन जाता है। लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस लड़की को उस बांसुरी में रस आता है, आनंद आता है, यही उसकी प्रकृति है। वो यही कर रही है जो वो हो सकती है। एक अध्यापक है, जब वो अपने छात्रों को पढ़ाता है तो उसमें खो जाता है। वो अपने प्राणों को उस पढ़ाने का आनंद बना लेता है, उसमें उसकी रुचि होती है और यही उसकी प्रवृत्ति बन जाती है। और जब वो पढ़ा रहा होता है तब उसके मन में कोई हलचल नहीं होती और वह तब ना तो भूतकाल की बात सोचता है न भविष्य काल की, वो तो केवल वर्तमान के क्षण में ही रहता है और यही उसका ध्यान है। जो व्यक्ति जो है, अगर वो वही होने लगे तो उसमें स्वतः ही ध्यान घटित होने लगता है। तो जो व्यक्ति एकाग्र होने लगता है वो अपने जीवन में बहुत कुछ पा लेता है। लेकिन जब व्यक्ति कुछ होने की कोशिश करता है तभी उसका मन हावी होने लगता है, एकाग्रता टूट जाती है और तब हम भागते रहते हैं। सब कुछ पा लेते हैं तब भी सोचते हैं कुछ रह गया और यह अधूरापन कभी भी पूरा नहीं होता। क्योंकि जो आप हो सकते थे वो आपकी प्रकृति थी, वो आप नहीं हुए, बाकी सब कुछ हो गए और ऐसे ही आप हमेशा अधूरे रह जाते हैं। तब मन कहीं नहीं लगता क्योंकि मन की प्रकृति ही नहीं है कि वो कहीं एक जगह पर टिक जाए। जो लगता है वो एकाग्रता है, वो ध्यान है। और जहाँ आपको एकाग्रता मिल जाए, चाहे वो ध्यान में, चाहे किसी चीज़ में, चाहे किसी काम को करने में, बस समझ लेना वही आपके लिए बना है जिस पर चलकर आप संपूर्ण हो सकते हैं। तो दोस्तों, अपने जीवन में ध्यान को केवल आंखें बंद करके प्राप्त ना करें। जिस काम को करते हुए आप पूरी तरह से रम जाएं और सब प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से दूर हो जाएं, वही एक तरीका है जो धीरे धीरे आपके मन को शांत करने लगता है। धीरे धीरे प्रकृति और ध्यान से आपको जोड़ने लगता है और आप अपने जीवन में उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं।